राम राम भाई सारा ने। तो भाई सब बढ़िया होंगे, और देखो हरियाली कितनी है। और जू के पापा और उसकी बुआ जा रहे हैं भाई हरिद्वार, तो यह हरिद्वार की ट्रिप है। तो यारे की हरियाली देखो आप, मतलब कितना है, मतलब है ना, अरे जब जावे है तो सारा चौकर तो मतलब है ना, पेड़ पेड़ बहुत घने हैं, मतलब हद तो ज़्यादा पेड़ लगा रखे हैं। मतलब देहरादून है उसमें तो और भी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, मतलब तो पोल्यूशन फ्री जो बोला कर रहे हैं जो देहरादून है वो बना रखे हैं, मतलब तो बहुत बढ़िया लग है भाई नु। चारों तरफ हरियाली देखा है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिले, मतलब फ्रेश एयर आती रहे हमेशा है, क्योंकि भाई पहले रह के आ रहे हैं तो उड़े मतलब थोड़ा सा आइडिया सा हो रहा है। हाँ हाँ, मतलब किस टाइप का माहौल है, और मतलब हरदम बारिश होती रहे है, थोड़े बहुत भी अगर गर्मी सी होगी ना इस टाइप की उमस सी बनगी जब बारिश आ जाओगी। तो देहरादून उत्तराखंड और मसूरी मसूरी साइड ये बारिश होती रहे है इस साइड पर, तब हरिद्वार पर जान लग रहे हैं। तो ये देहरादून का रोड था, और ये होगी भाई एंट्री। भाई सोचा आप तो शेयर कर दूँ या वीडियो, मैंने तो बहुत अच्छा लगा भाई, मतलब याद आ गई जब बड़े घूमन गए थे, जब देखने गए थे। और ये देखो ताई अर शर्पा की थोड़ी दरक है, अपना पूरे मजे ना दोख है, और अपने चाल पड़ी है ये भी है, टम्पू टम्पू भाई करके ले आवा है। अरे देखो कितनी गाड़ी खड़ी थी, पार्किंग एरिया न्यू बना रखे थे साइड में। और ये देखो गंगा मैया ने देखी कि करलोडे खांधी जा है, मतलब कितनी साफ पानी है, बहुत सुथरा, इतना सीला, मतलब चिल्ड पानी इन देना में, जो कर गर्मी में ये जून का महीना है अपने अड़े है, पूरा नाक देखो कितनी फ्रिज में लकड़ा पानी में सुबह की आओ है, एक बार तो बैठ कर ना जाओ, देखो कितना न्यू झोले है खानता जाओ है पानी। तो मैंने तो भाई डर लग गया करे पैड़ियाँ में बैठ कर, देखो फिर चक्कर हावना है, मैं तो जब नहाई थी जब पैड़ियाँ में बैठ कर नहा ली थी अपने, बहुत बुरा डर लगा भाई। और छोटे बच्चे तो कह तो भाई और भी वो हो जावे है, डर न जावे है, कहते भाई हाथ छुटा कर भाई बाज ना जावे, डूब ना जावे, बहुत सिक्योरिटी रखनी पड़े है। और पब्लिक देखो कितनी भीड़ है, मतलब हद से ज़्यादा भीड़ हो है, और कदे चले जाओ न्यू को ना कि भाई हाँ ये भाई भीड़ हर कदे चले जाओ, जो नज़ारा देखो न्यू गजब है, कति न्यू जन्नत का नज़ारा है ना, वो नज़ारा देखने में मिला भाई कितना खूबसूरत है। और यो घंटाघर है उरे, और पीछे देखो जो बाबा है वो दिखा था, और आड़े देखो ईद है जो आरती है वह स्टार्ट होने वाली है, जो शाम की आरती है वह उस खातर भाई बैठे हैं ईद सब, मतलब जो गुरु बैठे हैं जितने भी हैं, और वो जो भगवान उसमें ड्रेस में खड़े हैं ना ईद देखिए साइड में, जब आओगे ये बिल्कुल सामने खड़े हैं, ये रे भगवान ड्रेस में है, ये भाई आरती करेंगे, तो भाई थोड़ा इंजॉय करियो आरती में भी। Thank you.
तो भैया देखो कितना बढ़िया नज़ारा है, जो गंगा मैया है उसकी लाइव आरती होने लग रही है। तो शायद दोनों टाइम पर आ रहे, सुबह भी और शाम में भी दोनों टाइम, और ये चारों तरफ न्यू जगमग जगमग सी हो रही है। और उसके बाद यो है भैया गुच्चू पानी का दृश्य है, तो जो गुच्चू पानी है देहरादून में वो है, उड़े का जो छोटा सा दृश्य है वो है, और ये समुद्र मंथन हुआ था उसकी थोड़ी ही भई कलाकारी दिखा रखी है। तो देखो एक तरफ ने राक्षस हैं, एक तरफ ने देवता हैं, और जो हमारे शिव शंभु हैं वो भई अपने विष का पान करने लग रहे थे। और अड़ देखियो साइड में मसूरी की तरफ जाओगे भी, और रास्ता जो चढ़ाई होने लग रही वहाँ मसूरी की साइड है। तब अड़ देखियो झरना आओगा, ये देखो अड़ मतलब नीचे है ना नाव है, ऊपर तो झरना बवे है और नीचे नाव है। और प्रकृति मतलब कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, मतलब जबरदस्त है, मतलब कुदरत जो बना रखी है ना प्रभु ने, मतलब बस पूछो ही मतलब जन्नत है। अड़ाया पक्ष है तो नू देख लो भाई, जब देखा है ना तो ऐसा जिक्र है उल्टे जावे ना, बड़ा मजा है, मतलब नू लगा लो जन्नत है एक किस्म की। चौगर तो इतनी हरियाली है, हरा भरा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ की हरियाली, बहुत ही बढ़िया है यहाँ की हरियाली, मतलब मज़ा है देखने में। हाँ कुछ है, कुछ चीज़ है भाई, जो हमारा भोले बाबा है उसने देखने खातर लोग क्यों आवे हैं, इससे नज़ारे खातर भी देखने आवे हैं। तो देखो पानी मड़ लोग पड़े रहे हैं, नहाए जावे हैं, तो भाई चल पड़े हैं मसूरी की साइड। तो भैया छोटी सी क्लिप थी जो मैंने शेयर करनी थी आपसे, जो प्रकृति का नज़ारा है देख लो, कितनी जी भर जा है, ऐसा हुआ है कि हम उड़े आ रहे हैं भाई। जब जो कर देखा हम वीडियो में तो नहीं सोचा, मिस करा हाँ कि हाँ हम उड़े खड़े होंगे देखेंगे इन्हें। और यह देखो साइड में का जो अड़े गंगा नदी निकला कर वह सूख रही है इस साइड का, क्योंकि पहाड़ा में जब पानी रोक दिया जा वही साइड में, क्योंकि साइड में जब नाव थे तो उस साइड में थोड़ा बहुत भाई स्टोर भी करते हैं, और जब तेज बारिश बारिश आओगी जब इनमें छोड़ दिया जाएगा जो पानी है वो। तो उम्मीद है भाई आज का लोग पसंद आया होगा, और पसंद आओ तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब करके जरूर जाइए नए बंदे जुड़े हुए, और लाइक करियो और शेयर भी करियो, शेयर का जोटा मारा करो थोड़ा सा, ताकि भाई हौसला बढ़े थोड़ा सा, और वॉच टाइम भी बढ़ा दो भाई, बहुत बहुत ज़रूरत है आपके साथ के सपोर्ट की, जितना हो सके उतना भाई सपोर्ट करा करो। तो मसूरी की तरफ भाई चल पड़े हैं आगे का भाई, ये अपना घूम घाम कर फिर आ जाऊँगे। तो आज का व्लॉग है भाई इतना ही, उम्मीद है भाई पसंद आएगा। तो व्लॉग देखने का तरह आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ये देखो पुल कितना सुंदर नज़ारा है प्रकृति का, मतलब कुछ सोच कर बनाई होगी राम ने, जो भी प्रकृति बनाई है भगवान ने, कुछ ना कुछ सोच कर, मतलब हर एक चीज़ इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, मतलब जबरदस्त नज़ारा है देखने में, बहुत मज़ा आया है।